हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल बैकिंग कैसे कर सकते हैं। पूरे वीडियो में सिंपल स्टेप हैं, आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल बैकिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था 3 डॉट का, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था कॉलिंग अकाउंट, तो आपको कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिला था। तो गाइस हम अपने फ़ोन में फिर कॉल वेटिंग करना चाहते हैं तो कॉल वेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना जब तक कि हमारी रीडिंग सेटिंग हो रही है। तो गाइस हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, और जब तक कि हमारी रीडिंग सेटिंग हो रही है, जब हमारी रीडिंग सेटिंग हो जाएगी तो हमारा ऑप्शन जो कॉल वेटिंग का खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो गाइस हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो रीडिंग हो रही है वो सेटिंग हो रही है हमारी रीडिंग की। तो हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, जब तक कि हमारी रीडिंग सेटिंग नहीं होती जब तक हमें ऐसे वेट करते रहना। जब हमारी रीडिंग सेटिंग हो जाएगी तो हमारा ये कॉल वेटिंग का ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। तो भाई इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल वेटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।